आखिर पंजाब पुलिस ने कट्टरपंथी सिख उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। शनिवार को वो पुलिस टीम को चकमा देने में जरूर कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके कुछ करीबी सहयोगियों समेत बड़ी संख्या में समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल को फरार घोषित कर दिया गया और पुलिस टीमें उसे जगह जगह तलाश कर रही हैं। इस बीच उसके पैतृक गांव के आसपास तो कड़ी घेराबंदी कर दी गई है। पूरे राज्य में सोमवार दोपहर तक के लिए इंटरनेट शटडाउन भी कर दिया गया। ये कदम इसलिए जरूरी थे क्योंकि ये पूरा मामला बेहद ही संवेदनशील है। न केवल राज्य के अंदर अमृतपाल के समर्थक इन कार्रवाइयों को धार्मिक रूप देने का प्रयास कर सकते हैं, बल्कि पड़ोसी देश की तरफ से भी अवांछित तत्व ऐसे कुत्सित प्रयासों को हवा दे सकते हैं। मिली सूचनाओं के मुताबिक ऐसे कुछ प्रयास शुरू भी हो गए हैं। ऐसी अफवाहें उड़ाने की कोशिश की जा रही है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है और धार्मिक स्थानों में आग भी लगाई गई है। पड़ोसी देश में सक्रिय भारत विरोधी तत्वों की ऐसी करतूतें नई या अप्रत्याशित नहीं है। इन पर नजर रखने और उपयुक्त मंचों पर सही तरीके से कार्रवाई करते हुए रोक लगाने के प्रयास जारी रहने चाहिए, लेकिन फिलहाल पहली जरूरत है उन तत्वों पर अंकुश लगाने की जो भारत में रहते हुए यहाँ का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अमृतपाल और उसके समर्थकों का पिछले कुछ समय का रवैया बताता है कि वे सारी हदें पार करते जा रहे हैं। हथियारबंद समर्थकों के साथ चलना, खुलेआम खालिस्तान की बात करना, अपने समर्थकों से खुद को भिंडरांवाले 2.0 कहलवाना, ऐसी हरकतों से साफ है कि इस देश की कानून व्यवस्था के लिए उसके मन में कोई सम्मान नहीं रह गया है। खास तौर पर अमृतसर के अजनाला में पिछले महीने हुई घटना ने तो बची खुची कसर भी पूरी कर दी। वहां जिस तरह पवित्र ग्रंथ का इस्तेमाल करते हुए हथियारबंद भीड़ पुलिस थाने में घुस गई और लगभग जबरन अपने लोगों को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया, वो इस बात का साफ सबूत था कि पंजाब में हालात बेकाबू होने की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के लिए ये स्थापित करना अनिवार्य था कि राज्य में कोई भी ऐसे कानून हाथ में लेने की कोशिश करके खुला घूमता नहीं रह सकता है। सच है कि पुलिस ने तत्काल एक्शन नहीं लिया, लेकिन ये बात भी सही है कि आधी अधूरी कार्रवाई से सही संदेश नहीं जाता। इसलिए ये अच्छा है कि पुलिस ने सुनियोजित ढंग से पूरी तैयारी के बाद कदम उठाया, लेकिन अब इसे अधूरा न छोड़ा जाए। ये देखना भी जरूरी है कि विदेशों से इन तत्वों को इतनी ताकत क्यों और कैसे मिलने लगती है। भले वक्त लगे, लेकिन इस मामले को तार्किक परिणति तक पहुंचाया जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।